है स्टूडेंट्स, अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के सारे प्रकार, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को काफी आसानी से और एक इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता की। दोस्तों, संक्षारण और विकृत गंधिता क्लास 10th के सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और हर बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में इन दोनों में से एक टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, तो इसे काफी अच्छे से और आसान भाषा में सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण की। तो आपने भी कभी ना कभी गौर किया होगा, हमारे घर में बनी धातुओं की चीजें, लोहे की, सोने की, चांदी की या किसी और धातु की चीजें कुछ दिनों के बाद अपना कलर चेंज कर लेती है। जैसे कि लोहे के ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाती है, हमारे घर के सोने और चांदी काले रंग के हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही संक्षारण है, यानी कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वह उससे अभिक्रिया कर अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है और ऑक्साइड के परत के बनने की इस घटना को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब क्या संक्षारण को रोका जा सकता है? जी हाँ, संक्षारण को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। तो संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग धातुओं के सतह पर पेंट कर सकते हैं। इससे धातु डायरेक्टली वायु के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में और नमी के संपर्क में नहीं आ सकेगी। इसका दूसरा तरीका है, हम लोग धातुओं पर प्लास्टिक की परत चढ़ा सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली इन सारे चीजों के संपर्क में ना आ सके, या फिर हम लोग धातुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर संक्षारण को रोक सकते हैं। एक और जो काफी ज्यादा वर्केबल मेथड है वो है यसद लेपन या फिर जस्तीकरण। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी धातु के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे धातुएं वायु और नमी के संपर्क में सीधा नहीं आ पाती है, तो संक्षारण को रोका जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं विकृत गंधिता की। तो आप भी ये अपने डेली लाइफ में जरूर गौर किए होंगे कि हमारे घर में जो खाना बनता है ज्यादा देर खुले हवा में रह जाने के बाद, यानी कि जब उसको अच्छे से ढका नहीं जाता है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत खराब सा लगने लगता है और उसकी स्मेल भी एक बहुत ही खराब सी आने लगती है, बदबूदार स्मेल आने लगती है। इसी घटना को, यानी कि जब कोई भी वसायुक्त समझ रहे हैं ना आप, जिसमें फैट हो और तैलीय, जिसमें तेल हो, खाद्य सामग्री, खाने की चीजों को जब हम लोग छोड़ देते हैं खुला, तो इससे एक अप्रिय गंध और एक अप्रिय स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग सारे भोजन को तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन कुछ भोजन को लंबे दिनों तक खाने के लिए हम लोग आम को अचार के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने भी अपने घरों में अचार बनते हुए देखा होगा। अगर आपने भी कभी अचार बनाया है तो कमेंट करके बताएं, और आपको ये इंटरेस्टिंग तरीका पढ़ने की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें।